साथियों, 55 दिन से पिराने गांव में धरना चल रहा है। धरने का नेतृत्व कर रहे साथी बजरंग सारण, निश्चित ही आप बधाई के पात्र हो। जो इस माहौल में किसानी की बात कर रहे हो, आज इस गहराव में आए हुए मेरे पुराने साथी बसंत जी बेनीवाल, जगदीश जी ढाका, जगदीश जी पूनिया पूर्व सरपंच, रणजीत जी द्वारिया, प्रताप जी बेनीवाल और सबसे बड़ी बात कि एक जनप्रतिनिधि डावड़ी सरपंच मौजूदा सत्ता के खिलाफ इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हो। जिस क्षेत्र में ऐसा तानाशाही राज, जो हिटलर शाही राज चलाने वाले लोग, उन लोगों के खिलाफ आप मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़े हो। आने वाला वक्त आपको याद करेगा सरपंच साहब। निश्चित तौर पे हम आपको बारंबार बधाई दे रहे हैं। साथियों, अमर सिंह बरांच सिद्धमुख नहर हमारी गंगा है, हमारी जीवनदायिनी है। जब हम छात्र जीवन में थे, मैंने और बलवान पूनिया ने एक साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम भादरा आए। पहला आंदोलन हमने कंप्यूटर फीस के खिलाफ लड़ा था। फिर हमने नरेगा की लड़ाई शुरू की। फिर आंगनबाड़ी बहनों के लिए हमने आंदोलन किया था। आंगनबाड़ी बहनों का आंदोलन भी याद चल रहा था। मुझे वो दिन याद है जब मैं महिला बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी में जितनी भी महिलाएं थी उनकी लिस्ट लेके आया और प्रत्येक बहनों को अपने हाथ से लिखकर पोस्ट कार्ड भेजा था। और पहली मीटिंग हमने बलवान पूनिया के नेतृत्व में गांधी पार्क में करवाई थी। आज वो बहनें भी आंदोलन करने को मजबूर है। हम बारंबार यहां पे आए, एसडीएम कार्यालय वहां था, हमने बात की। सिद्धमुख नहर का 565 क्यूसेक पानी, अमर सिंह बरांच का 355 क्यूसेक पानी, हजारों लेटर पैड मेरे हाथ से लिखे हुए अखिल भारतीय किसान सभा के पत्रकार साथियों के पास मिल जाएंगे। मैं जारी करता था, एक लगन थी, इलाके के किनारों में पूरा पानी लेके आएंगे और बलवान को जयपुर भेजेंगे। जनता ने तय कर लिया, बलवान को जयपुर भेज दिया। लेकिन जयपुर जाने के बाद जैसे उनको राज की हवा लगी, राज सत्ता में मदहोश हो गए। हिटलर शाही शासन को भादरा में लागू कर दिया। मैं बताना चाहता हूं बलवान पूनिया, भादरा की जनता बड़ी शागिर्द जनता है। आपको सिर्फ और सिर्फ किसानी की बात के लिए विधानसभा में भेजा था, न कि किसी कर्मचारी की रड़क करने के लिए, न कि किसी किसान की रड़क करने के लिए आपको विधायक बनाया। अब कहें बोले आचार संहिता मन कोई डर कौन लगे,
गल्ला को लगी के गेलड़ी मैरी बारे में बहुत फर्क है। 29 तारीख ने अखबार में आ गई क्या अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लाग जाएगी। जिये वो अखबार मल खेड़े गयो बलवान भाई जी यार करे दूसरा इच्छा कौन बनी सारा घर का मायूस हो गया। बोले आ के होगी बोले जागी या तो साथी पहले डर नहीं लगता था डर अब लगता है। आओ मैदान में इलाके का किसान तैयार बैठा है इलाके का नौजवान तैयार बैठा है। आपने विकास कार्य अच्छे करवाए आपने अच्छा शासन किया है मूल्यांकन कर देगी जनता। और कई बार तो गाना भी गाने लग जे नाचेगी मैं देखियो कोनी पंचायत समिति का चुनाव आज मत पहलो गानो सुनियो मारे गांव में बोलो ब्लॉक जिताओ अंधेरों से हो रहे हो लाइट बोल दो अभी तो बोलो पार्टी शुरू हुई है अभी तो पार्टी शुरू हुई है वो गानो गायो। थोड़े दिन पहले एक ने सागड़े का नहीं गानो गा दियो बोले मित्रां दा नाम चलता मैं गाना तो यार खटू जी की पहला तो कोई गान तो लेकिन ये गाना और गाओ चुनाव होने के बाद में गाओगे। किसान भवन बनाए भाई एक खिड़की थाने का नहीं खुले भाई खिड़की में देख के गाओगे। मित्रांगी छतरी तोड़ गई मित्रांगी छतरी वो गानो गाओगे। मेरो भाई ये 3 गाना गा देगा तो 1 गाना तो मेरे ही फर्ज बने। अप्रैल में मैं भी 1 गाना गाऊंगा। ये जो सीली सीली आंधी है हवा किथे कोई रोंदा होएगा किथे कोई रोंदा होएगा। पहलवान हमने पूरी जवानी तुम्हें विधायक बनाने के लिए दी थी तुमने धोखा किया हमारे साथ तुमने गद्दारी की हमारी दोस्ती में। आज हम एसडीएम के कार्यालय के सामने तुम्हें ललकार रहे हैं। वक्त आने पे हम दिखा देंगे हम क्या चीज है। धोखेबाज हो गद्दार हो। अभी किसान भवन में एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ बोलियो मैं आवार्थ को अभिमन्यु को नहीं अर्जुन अर्जुन हूं। मैं कहना चाहता हूं साथी अभिमन्यु भी वीर था पूर्व जो कौरव सेना थी उनके सामने अकेला लड़ा था। आप तो अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकते। अर्जुन बनने की चेष्टा कर रहे हो अर्जुन ने कभी अपने दोस्तों के साथ धोखा नहीं किया कभी अपने बहन और बहनों के साथ धोखा नहीं किया। अर्जुन एक वीर थे उसके बराबरी तुलना करके उनकी बेइज्जती मत करिए। जब विधानसभा चुनाव का रण होगा उस रण में हमारा रथ भी विराजमान होगा और जो हमारे मुख से वाण निकलेंगे उस वाण का सामना शायद आप कर नहीं पाओगे। आप मैदान छोड़ के चले जाओगे उस दिन पता चलेगा अर्जुन कौन है और कर्ण कौन है दुर्योधन कौन है और दुशासन कौन है। हम बता देंगे कौन वीर है। वक्त आने वाला है अभी साथियों आप मजबूती के साथ डटे रहे। जहां भी हमारी जरूरत होगी जहां किसानी की बात होगी जहां मजदूर की बात होगी वहां हम जरूर आएंगे। इलाके की बात इलाके का किसान इलाके का नौजवान इलाके का छात्र सब भी करेगा। संघर्षशील साथी बजरंग सारण जैसे लोग अगर किसान की बात कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हमने यहाँ पे सैकड़ों आंदोलन किए हैं आंदोलनों में मुक्त में भी जेले हैं जेलों में भी गए हैं।
लेकिन दुख इस बात का होता है कि किस आदमी के साथ हमने पूरी जवानी लगा दी और उस आदमी ने आज क्या हालात कर दिए भादरा के। साथियों, जितना गंदा शासन आज हम देख रहे हैं भादरा की स्थिति, सीवरेज के नाम पे जो गलियों की जो स्थिति है, इंसान एक बार अपने जीवन में मकान बना सकता है, चाहे वो मकान छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज पूरे भादरा क्षेत्र को खोखला कर दिया, हर घर के नींव में पानी चला गया, गंदा पानी पीने को मजबूर है। एक दिन उरे मिल गयो ईदगाह पर, मुसलमान भाइया ने ईद की मुबारकबाद देना आयड़ा, मुस्लिम भाई अंदर चले गया नमाज पढ़ने, मैं यहां बारे बैठा कुर्सियां पर। इतफाक मैं थोड़ा सा पहला चल गयो तो मैं अगली कुर्सी पर बैठ गयो, नहीं मैंने शौक होनी कुर्सी अगली पर बैठना, तो भगवान भाई आयो मेरे सारा आगे बैठ गयो। तो ईदगाह के इन्नी साइड में एक सीवरेज जिको पानी आ गयो, पानी आ गयो, वो सड़क पर आवाज नहीं उछल लियो सांप आरी त्रिया। मन बोलियो ईद पर टूटी बहुत सुनवाईडी है, मेरे पानी की कमी ना आ जा। मैं गयो बिल्ली बोलुखी, मैं कहो तेरे विकास यो बच जा, बोले विकास यो मेरे तो सुबह में संकेत दो ही है तन मेरे को लिखे, मैं क्यों तीसरा विकास यो है। मत सीवरेज को गंदा पानी है, ये पीने का पानी नहीं। आंखें खोल, सत्ता में मदद, सत्ता में मगरूर आदमी यार आप देख। मेरे खड़े होकर बोले चुप रह चुप रह, नगर पालिका ने बोले चाड़ू जाओ आधा पानी इधर कर दो आधा उधर कर दो, क्या पूरा मेट बिछा दियो मैं बैठ जाए कर देगा, कर देगा सारो काम कर देगा, तू चिंता ना करे। मतलब इसी चश्मा चटकी, चश्मा थाने तारनी है और तारनी है। साथियों, आप इतनी संख्या में आए इस कमताई के टाइम में, खेतों में जबरदस्त काम, फिर भी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मजबूती के साथ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद साथी महेंद्र, पुराना दर्द नई ताकत और अपने ही विचारधारा से चले हुए साथी को यहाँ एसडीएम कार्यालय के आगे सचेत और चेतावनी भेज लहजे में ललकारा, धन्यवाद। अगले साथी बात रखने के लिए सरजीत शाह बैरवा डानी, सरजीत शाह कहीं हो तो फिर बात रखने के लिए आए। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान, जीतेगा किसान। इनकम इनकम, स्थानीय विधायक, स्थानीय विधायक, भादरा प्रशासन। सभी किसान साथियों, इतने व्यस्त शेड्यूल में, इतने बिजी जो फसल का टाइम चल रहा है, आपने समय निकाला और एसडीएम घेराव के लिए अपनी जायज मांग है पानी की, उसमें आप यहां पहुंचे। सभी साथियों ने विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की।